तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 10। देखिए जो आपका प्रैक्टिस सेट 10 है ये बहुत ही खास है, इसमें बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव प्रश्न आपको मिलेंगे आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को टाइम बर्बाद किए बिना। देखिए जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 से लगाए 9 तक नहीं देखा है वो उनको देख डालेंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से बाहर आपको एक प्रश्न भी नहीं मिलने वाला है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा दीजिएगा, एक ही प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, इससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं PDF के, तो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इस वीडियो के PDF के लिए मिल जाएगी। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए जो आपका ये राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 था, तो इसका जो खिताब है जीता पंकज आडवाणी ने। देखिए जो आपके पंकज आडवाणी हैं इन्होंने फाइनल मुकाबले में ईशप्रीत सिंह को 7-3 से हराकर जो है राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था, और पंकज आडवाणी जो है ये इनका 34वां राष्ट्रीय खिताब था। देखिए रेलवे के एग्जाम में एक प्रश्न बहुत बार पूछा चुका है कि पंकज आडवाणी जो है ये किस खेल से संबंधित हैं, तो पंकज आडवाणी जो है ये स्नूकर से संबंधित हैं। स्नूकर क्या होता है, एक टेबल होती है उस पर कई सारे बॉल्स होते हैं, उसको मार के गड्ढे में गिराना होता है, तो आप यहाँ पे फोटो में देख कर समझ भी गए होंगे। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है, पंकज आडवाणी ने। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ, इसका उत्तर बताइए। बहुत अच्छे, सही आंसर बहुत सारे लोग दे रहे हैं। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 23वां। हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को जो है 23वां स्थान मिला है। तीसरा प्रश्न कि ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला। देखिए सूचकांकों से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आपको डेली बता रहा हूँ, जितने डाटा मैं आपको दे रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा, और यही डाटा जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 की, बताइए भारत को कौन सा स्थान मिला इसमें। देखिए ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत को दूसरा स्थान मिला है, और भारत अकेले जो है दूसरे स्थान पर नहीं है। देखिए भारत को ये दूसरा स्थान जो है स्पेन, मेक्सिको, फ्रांस और न्यूजीलैंड के साथ में मिला है, और पहले स्थान पर किन देशों को रखा गया है। देखिए इस ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया को जो है अधिकतम स्कोर ए के साथ पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहले स्थान पर प्राप्त होने वाले देशों की सूची यहाँ पे आपको सामने दिख रही है, और दूसरे स्थान पर कौन कौन से देश हैं यहाँ पे आपको सूची दिख रही है, इसको नोट कर सकते हैं आप। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, देखिए जो आपका ये ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स है तो ये किसने जारी किया है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस सूचकांक को यानी कि इस इंडेक्स को वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के द्वारा जारी किया गया है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में फेसबुक इंडिया ने भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस पहल को लॉन्च किया है, इसका आंसर बताइए। देखिए फेसबुक इंडिया ने जो है महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए भारत में प्रगति नामक एक पहल को लॉन्च किया था। और देखिए फेसबुक के बारे में दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पहला ये कि फेसबुक की स्थापना जो की जिसने की थी उनका नाम है मार्क जकरबर्ग, ये इसके CEO भी हैं, और फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस पर्वतारोही ने होली के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है माउंट कोसियुस्को, जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर, इस पर जो इन्होंने फतेह किया था, इसका आंसर बताइए। देखिए ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है, आपको यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं मिलेंगे, सारे प्रश्न यहीं से बनेंगे, ठीक है, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है भावना डेहरिया। याद रखिएगा कि एक भारतीय पर्वतारोही हैं भावना डेहरिया, इन्होंने जो है मार्च 2020 में होली के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट कोसियुस्को, जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर, इसको जो है फतेह किया था। देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी का भी एक प्रश्न बन सकता है कि माउंट कोसियुस्को जो है ये किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो ये जो है आपकी जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 2228 मीटर।
और बात करें भावना डेहरिया की, तो देखिए जो आपकी भावना डेहरिया हैं ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की रहने वाली हैं, और इन्होंने वर्ष 2019 में भी ये कारनामा किया था दिवाली के अवसर पर। देखिए 2019 में दिवाली पर इन्होंने तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर, इस पर तिरंगा इन्होंने फहराया था। तो काफ़ी बहादुर बेटी है हमारे भारत की भावना डेहरिया जी। छठा प्रश्न, की समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला, उत्तर बताइए। देखिए समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत को 46वां स्थान मिला है, और इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। और जो आपका ये समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 है, तो देखिए आप बता दूँ वैश्विक स्तर पर सबसे खराब 100वें स्थान पर इसमें जो है बुरुंडी है, उसके बाद फिर लाइबेरिया है, फिर मेडागास्कर है, फिर मलावी है, उसके बाद बुर्किना फासो है। तो सबसे अच्छे देशों की सूची क्रम से यहाँ पे आपको एक से तीसरे स्थान तक मिल गई, और यहाँ पे सबसे खराब देशों की सूची मिल गई, ठीक है। और भारत जो है ये इस सूचकांक में 46वें स्थान पर, यानी कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में, यानी कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत 46वें स्थान पर है। और देखिए एक सवाल ये उठता है कि इस इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो देखिए समावेशी इंटरनेट सूचकांक यानी कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स को जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका मुख्यालय आपका यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है, और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। तो काफ़ी मज़ेदार क्लास आज की है, देखिए क्योंकि आज के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही सेलेक्टिव हैं। तो जिन लोगों ने देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करते फिर आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, की भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप निरीक्षक कौन बनी है, इनका नाम बताइए। देखिए भारतीय तटरक्षक बल को हम कहते हैं अंग्रेजी में इंडियन कोस्ट गार्ड, और इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल की जो पहली महिला उप महानिरीक्षक बनी है, इनका नाम है नूपुर कुलश्रेष्ठ। देखिए जितने भी इवेंट, जितने भी अपॉइंटमेंट पहली बार होते हैं ना, वो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो जो आपकी नूपुर कुलश्रेष्ठ हैं, ये पहली ऐसी भारतीय महिला हैं जो कि भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप निरीक्षक के पद पर अपॉइंट हुई हैं। नवा प्रश्न, की रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किसने जीता। देखिए ये नहीं पता है तो आप रेलवे के एग्जाम में बिल्कुल बैठना ही मत जाइए, फाड़ के फेंक दीजिए अपना एडमिट कार्ड, क्योंकि रेलवे का पेपर इसके बिना नहीं बनता है, रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। देखिए हर साल पूछा जाता है तो 2020 के बारे में इस बार पूछा जाएगा। देखिए 2020 का जो आपका रणजी ट्रॉफी था, इसको सौराष्ट्र ने जीता, और सौराष्ट्र ने जो है बंगाल के खिलाफ पहली पारी में 44 रनों की बढ़त हासिल करके अपना पहला रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। तो याद रखिएगा कि सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2020 का जो है खिताब अपने नाम किया था। और आइए जान लेते हैं कि रणजी ट्रॉफी क्या है और इसका इतिहास क्या रहा, क्योंकि देखिए रणजी ट्रॉफी से भी दो तीन प्रश्न, चार प्रश्न एग्जाम में लगभग बन जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। देखिए भारत के एक बहुत ही प्रतापी शासक थे रणजीत सिंह, जिनको शॉर्ट में रणजी के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्हीं के नाम पर जो है इस प्रतियोगिता का नाम रणजी ट्रॉफी पड़ा। और रणजी ट्रॉफी क्या है, क्रिकेट चैंपियनशिप है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए जो आपका रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता है, इसका पहला मैच खेला गया था 4 नवंबर 1934 को मद्रास और मैसूर के बीच में, मद्रास के चेपक मैदान में, और ये टूर्नामेंट सबसे अधिक बार अब तक जीता है मुंबई ने, कुल 41 बार। तो देखिए ये प्रश्न अभी पिछले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी किसने जीता है, तो देखिए रणजी ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट है इसको सबसे अधिक बार मुंबई ने जीता है, और अब तक कुल 41 बार मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती है। देखिए जो अभी रणजी ट्रॉफी है, तो ये जो है एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है, जो कि भारत में क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई टीमों के बीच में खेला जाता है। और देखिए वर्तमान में टोटल 38 टीमें शामिल हैं रणजी ट्रॉफी में, ठीक है, यानी कि रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप में हर साल वर्तमान में 38 टीमें खेलती हैं। दसवां प्रश्न, की भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, उत्तर बताइए। देखिए भारत का जो पहला जीवित पाक कला संग्रहालय है, ये जो है कर्नाटक के मणिपाल में स्थापित किया गया है। देखिए ये भी ऐसा इवेंट है जो पहली बार हुआ है, मतलब कहीं भी जीवित पाक कला संग्रहालय की जो पहली बार स्थापना हुई है ये प्लेस का है, कर्नाटक का मणिपाल है। 11वां प्रश्न, की किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए कौशल शतरंग योजना शुरू की है, बताइए उत्तर। देखिए कौशल शतरंग योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया है। देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
उत्तर प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की थी, कौशल सतरंग, युवा हब और शिक्षुता योजना। ये तीनों योजनाएं क्या हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया, इनका नाम बताइए। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक थे बिल गेट्स, इन्होंने अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने कहा था कि अब मैं जो है पूरी दुनिया में एजुकेशन के फील्ड में काम करूंगा, चैरिटी वगैरह काम करूंगा। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने अगले 100 दिनों के लिए किन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया है, उत्तर बताइए। देखिए भारत सरकार ने जो आपका फेस मास्क है और हैंड सैनिटाइजर है, तो हाल ही में इनको जो है 100 दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं के रूप में जो है घोषित किया था, ठीक है। और आपको बता दूँ एक एक्ट है जो आपका इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है फेस मास्क को और हैंड सैनिटाइजर को जो है अगले 100 दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया था। और 14वां प्रश्न है कि हाल ही में टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने किस देश के साथ ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, उत्तर बताइए। देखिए इसका आंसर होगा गाम्बिया। याद रखिएगा कि टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने गाम्बिया के साथ जो है ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। देखिए गाम्बिया जो ये इस ई नेटवर्क परियोजना में हिस्सा लेने वाला 16वां देश होगा। 15वां प्रश्न की मार्च 2020 में किस देश में दुनिया का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड जिसका नाम है गोकादल लॉन्च किया गया। तो देखिए इस गोकादल लॉन्च को लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा। याद रखिएगा कि भारत में जो है दुनिया का जो पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड है गोकादल, इसको लॉन्च किया गया था। और 16वां प्रश्न की किस व्यक्ति को 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। देखिए स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी न्यूज़ हैं सारे मतलब मैं आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक ही प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, रेलवे NTPC और ग्रुप डी के लिए और रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए। देखिए टाइगर वुड्स जो हैं, जो कि एक अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर हैं, तो टाइगर वुड्स को जो है 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया गया है। 17वां प्रश्न की IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, इनका नाम बताइए। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक के जो पहले ब्रांड एम्बेसडर बने इनका नाम है अमिताभ बच्चन। देखिए जो आपका ये IDFC फर्स्ट बैंक है इसके MD और CEO वर्तमान में वी वैद्यनाथन और मुख्यालय इसका मुंबई में है। स्थापना इसकी 2015 में हुई थी। 18वां प्रश्न की भारत के किस IIT में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र की स्थापना की जाएगी, उत्तर बताइए। देखिए भारत का ये IIT है IIT मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर जो है प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र की जो है स्थापना की जाएगी, ठीक है। और 19वां प्रश्न की वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है, उत्तर बताइए। देखिए जो आपका चीन यानी कि चाइना है ये जो है विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में पहले स्थान पर है वर्तमान में। देखिए भारत 8वें स्थान पर था लेकिन ये बार बार खिसकता है, कभी 6ठे पे पहुंच जाता है कभी 7वें पहुंच जाता है, इसलिए मैं भारत की रैंकिंग नहीं बताऊंगा अभी, मैं आपको यही बताऊंगा कि केवल जो चीन है, ठीक है, चीन जो है ये विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में पहले स्थान पर है। ये प्रश्न रिसेंटली भी एग्जाम में पूछा गया था। और 20वां प्रश्न है कि ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, इसका उत्तर बताइए। देखिए जो ग्रीस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है इनका नाम है कतेरिना सकेलोपोलू। और 21वां प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता दिवस किस कब मनाता है, आंसर बताइए। देखिए जो आपका विश्व उपभोक्ता दिवस है ये 15 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम है 2020 के लिए द सस्टेनेबल कस्टमर। 22वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस कब मनाता है, उत्तर बताइए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस को मनाते हैं हर साल 14 मार्च को। पाई क्या है, पाई देखिए कुछ इस प्रकार का एक जो है आपको दिखता होगा मैथ में गणित की नियतांक, ठीक है। और पाई का मान कितना 22/7 होता है, ठीक है, सबको पता है। देखिए पाई जो है इसका सिंबल यहाँ पे आपको दिख रहा है एक गणित की नियतांक होता है, इसका संख्यात्मक मान किसी वृत्त की परिधि और उसके ब्यास के अनुपात के बराबर होता है। और इस अनुपात के लिए जो आपका संकेत पाई है, ठीक है, ये वाला संकेत आप यूज़ करते हैं।
तो इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम सन विलियम जोन्स ने सुझाया था और इसका मान लगभग 3.14159 के बराबर होता है। 23वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना जगन्नाथ शंकर से टर्मिनस कर दिया गया, इसका उत्तर बताइए। देखिए अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो रेलवे के सारे अपडेट पता होने चाहिए कि रेलवे में क्या नया हुआ क्या पुराना हुआ। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नाना जगन्नाथ शंकर से टर्मिनस कर दिया गया किस रेलवे स्टेशन का नाम, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो देखिए इसका नाम है मुंबई सेंट्रल स्टेशन, जो कि काफ़ी खूबसूरत है और कुछ इस प्रकार से दिखता है ये। देखिए जो आपके नाना जगन्नाथ शंकर सेठ हैं तो ये जो है एक उद्योगपति और शिक्षाविद थे और ये भारत की पहली रेलवे कंपनी के पहले निदेशकों में से एक थे, तो इसीलिए इनको सम्मान देने के लिए मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम जो है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनस कर दिया गया। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में डीजी पिवोट नामक जो है सेवा की शुरुआत की, आंसर बताइए। देखिए ये कंपनी आपकी गूगल है, गूगल ने भारत में डीजी पिवोट नाम की जो है सेवा की शुरुआत की है। और जो पर ये डीजी पिवोट सेवा है तो देखिए ये कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए आरंभ किया गया है जो कि एक समय तक काम करने के बाद दोबारा अपने कॉरपोरेट करियर में वापस आने की कोशिश कर रही है। 25वां प्रश्न की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, उत्तर बताइए। देखिए इस पोर्टल का नाम है भूमि राशि और इस पे आप लॉगिन कर सकते हैं www.bhoomiraashi.gov.in पे लॉगिन करके, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से भूमि अधिग्रहण के लिए एक पोर्टल भूमि राशि को लॉन्च किया है और ये भूमि अधिग्रहण किस लिए करेगी, ये करेगी सड़कों के निर्माण के लिए, ठीक है। 26वां प्रश्न है कि एयर विजुअल द्वारा तैयार 2019 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं, तो इन शहरों की संख्या देखिए टोटल 21 है। याद रखिएगा एयर विजुअल द्वारा तैयार 2019 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में, मतलब इस 30 की लिस्ट में जो है भारत के 21 शहर शामिल हैं, उनके नाम भी मैं आपको बता दूंगा अभी। देखिए वर्ष 2019 में दुनिया में जो सबसे प्रदूषित राजधानी शहरों की कुख्यात सूची है उसमें दिल्ली पहले स्थान पर है, ठीक है। यानी कि दुनिया के देखिए कुख्यात सब थोड़ा सा कॉमेडी लग रहा है लेकिन ऐसे ही न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। याद रखिएगा कि वर्ष 2019 में दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी शहरों की कुख्यात सूची में जो भारत का दिल्ली है ये पहले स्थान पर है और इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जो गाजियाबाद है तो गाजियाबाद जो ये सबसे प्रदूषित शहर है। देखिए विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शुमार जो भारत के 21 शहर हैं तो ये आपके हैं गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, वदवारी, लखनऊ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, जींद, फरीदाबाद, कुरूद, भिवाड़ी, पटना, पलवल, मुजफ्फरपुर, हिसार, कुटेल, जोधपुर और मुरादाबाद। तो इसको आप याद रखिएगा। और देखिए देशों के आधार पर रैंकिंग दी गई, देखिए देशों के आधार पर आंकड़ों के मुताबिक जो आपका बांग्लादेश है तो बांग्लादेश पहले स्थान पर है, सबसे गंदा देश है, इसके बाद फिर पाकिस्तान है, उसके बाद फिर मंगोलिया है, फिर अफगानिस्तान है और इसमें पाँचवें नंबर पर भारत है। तो चलिए मतलब थोड़ी सी स्थिति अच्छी है भारत की। हालांकि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारतीय शहरों ने पिछले वर्षों में काफ़ी सुधार किया है तो अच्छी बात है ये। 27वां प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, आंसर बताइए। देखिए ये राज्य आपका राजस्थान है। याद रखिएगा ये भारत का जो राजस्थान राज्य है ये राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और 28वां प्रश्न है कि ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में पुरुष एकल का बैडमिंटन खिताब किसने जीता, उत्तर बताइए। देखिए ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में पुरुष एकल का बैडमिंटन खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसन ने, ठीक है। देखिए जो आपके विक्टर एक्सेलसन है ये जो है डेनमार्क से बिलोंग करते हैं और इन्होंने चीनी ताइपी के चो तीन चेन को 21-13, 21-14 से हराकर जो आपका ये ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप था तो इसके पुरुष एकल का बैडमिंटन खिताब अपने नाम किया था। 29वां प्रश्न की ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में महिला एकल का बैडमिंटन खिताब किसने जीता, तो देखिए इसमें महिला एकल का जो खिताब था जीता तजू यिंग जो है ये चीनी ताइपी से बिलोंग करती हैं। चीनी ताइपी की जो तजू यिंग हैं इन्होंने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप की महिला एकल खिताब जीतने के लिए चीन की जो है
चेन यू फी को जो है 21-19 और 21-15 से हराया था। और देखिए इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। तो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप आयोजन कहाँ पर किया गया था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में फूलदेई फसल उत्सव मनाया गया। तो देखिए आपका फूलदेई फसल उत्सव है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है हर साल, और फूलदेई जो है ये चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए किसी ने मेरा फेसबुक पेज हैक कर लिया था, तो वो मैंने नया पेज क्रिएट किया फेसबुक का, तो उसको फटाफट लाइक करके इसमें लाइक की संख्या बढ़ाइए, और जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि आपको यहाँ से PDF के लिंक वगैरह मिलते रहें। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, सभी लोग कमेंट में जय हिंद लिखेंगे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।